गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान मंजी मॉडर्न इंग्लिश स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, लाइन्स एंड लाइन सेगमेंट। इन प्रीवियस वीडियो यू हैव डन चैप्टर नंबर 5, मैट्रिक मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर एंड मीटर टू किलोमीटर। टुडे वी विल अंडरस्टैंड लाइन एंड लाइन सेगमेंट। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट डॉट, अ पॉइंट इज अ टिनी डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। ओके, द टाइनी डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। इट हैज नो ब्रीथ एंड लेंथ। डॉट के पास क्या नहीं है? ब्रीथ नहीं है, लेंथ नहीं होती है। ओके, डॉट मेड बाई पेन पेंसिल्स ऑन द सीट ऑफ पेपर। हम किसी भी सीट पर उस अपने पेन पेंसिल के द्वारा क्या कर सकते हैं? डॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज लाइन? लाइन क्या है? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इट कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, लाइन कैन बी नेम्ड यूजिंग एनी टू पॉइंट ऑन द लाइन, और उसमें हम दो लाइन भी, कोई भी दो लाइन दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल नाउ यू राइट डिफाइन ऑफ लाइन। फर्स्ट डॉट, डॉट आ टाइन डॉट आ टाइन डॉट इज कॉल्ड पॉइंट, इज कॉल्ड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल गिव द नेम दिस पॉइंट ए और दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट ई। ओके, सो पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट, टाइनी डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। छोटे छोटे जो डॉट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। ए बी एंड ई आर ऑल पॉइंट्स। ओके, ए बी एंड ई आर ऑल पॉइंट, ये सभी क्या है? पॉइंट है। नेक्स्ट लाइन, लाइन लाइन आ लाइन आ लाइन हैव नो एंड पॉइंट। No end point, it can be extended endlessly in both direction, both directions. Okay, a line has no end point, it can be extended endlessly in both directions. For example, लाइन के नो एंड पॉइंट, इसमें हमारे एंड पॉइंट नहीं होते हैं। इसे हम कितना भी एंड तक, कितनी भी बड़ी लाइन हम एक्सटेंड
कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन से, बोथ डायरेक्शन, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दोनों डायरेक्शन से हम इस लाइन को एक्सटेंड करना भी कर सकते हैं जितना हम चाहें। ओके, नेक्स्ट आप है कि आर लाइन कैन बी नेम यूजिंग एनी टू पॉइंट ऑन द लाइन ए एंड बी। इसको हम दो नाम दे सकते हैं जिसे बोलेंगे लाइन ए बी। क्या बोलते हैं? लाइन ए बी, ए इसका सिंबल है लाइन ए बी। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन स्टूडेंट। Now we will question line segments. Line segment. Line segment. Okay. The distance between is called a line segment. A distance between two points on a line is called a line segment. Okay, for example, स्टूडेंट एक लाइन पर दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जो हमारी बीच की हमारी जो डिस्टेंस है, इस बीच की डिस्टेंस को लाइन सेगमेंट कहते हैं। एक हमारी लाइन है और लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, टू पॉइंट के बीच के डिस्टेंस लाइन पर है उसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जैसे फॉर गिवन द नेम पी एंड क्यू, पी एंड क्यू लाइन सेगमेंट टू एंड पॉइंट्स। इसके पास क्या है? दो एंड पॉइंट्स है, बट लाइन के पास में हमारे दो एंड पॉइंट्स नहीं है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन के पास पॉइंट्स नहीं है, बट हमारी लाइन सेगमेंट के पास टू एंड पॉइंट्स है। इसको एक्सटेंड, इट कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हम कितना भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, कितना भी सेंटीमीटर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सो पी क्यू, पी क्यू इज लाइन सेगमेंट। पी क्यू क्या है हमारा? पी क्यू इज लाइन सेगमेंट, पी क्यू ये हमारा इसका सिंबल है लाइन सेगमेंट। पी क्यू हमारा क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। तो हमारा पी क्यू का सिंबल है लाइन सेगमेंट, ए पी क्यू इज लाइन सेगमेंट। ओके स्टूडेंट, लाइन हैज ओनली वन डायमेंशन, लाइन के पास कितना डायमेंशन है? एक। कौन सा है? लेंथ। लाइन टाइम के पास ओनली वन डायमेंशन होता है, डायमेंशन होता है लेंथ। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड ऑफ
ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन्स, ओके स्टूडेंट, इसमें लुक एट हियर। स्ट्रेट लाइन गिवन द नेम ए विद द नेम ए एंड बी, ओके, दिस इज स्टैंडिंग लाइन। ये क्या है? स्टैंडिंग, खड़ी हुई लाइन है, ओके। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ओके, दिस इज वर्टिकल लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट, ए एंड बी, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ए कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइन, या इसको हम स्लीपिंग लाइन भी बोल सकते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट हमारा है लाइन, अ स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। स्ट्रेट लाइन में जो कि वर्टिकल नहीं है और हॉरिजॉन्टल नहीं है, उसे कौन सी लाइन बोलते हैं? इट इज ऑब्लिक और अ स्लांटिंग लाइन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा आता है स्लांटिंग लाइन। ये हमारा लाइन क्या होता है? तिरछा होता है। A, B, this is called slanting line. Okay, student. Next line, zigzag line. कौन सा line देखेंगे अब हम? Zigzag. दिस इज कॉल्ड जिग जैग लाइन। क्या बोलेंगे? जिग जैग। जिग जैग लाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी विल नेक्स्ट कर्व लाइन। नेक्स्ट होगा कर्व लाइन। ओके, A and B, curved line. ये हमारा curved line होगा। Standing line, this is called vertical line or vertical line. This is called horizontal line or sloping line. इसे हम क्या कह सकते हैं? Sloping line और horizontal line. Zigzag line. नेक्स्ट स्लांटिंग लाइन, नेक्स्ट कर्व लाइन।
ओके सो वी विल अंडरस्टैंड वी हैव टू अंडरस्टूड डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन आप कर चुके हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड स्ट्रेट लाइन के साथ साथ में स्लांटिंग लाइन हमारी स्ट्रेट है बट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे स्ट्रेट नहीं है ये हमारी तिरछी है ओके नोट डाउन Have you got it, friend? क्वेश्चन नंबर वन नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन दैट फॉर्म द फॉलोइंग फिगर्स स्टूडेंट इन दिस फिगर वी हैव टू आइडेंटिफाई द नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स ओके सो आई विल ड्रॉ फर्स्ट फिगर We will identify the lines and given the name. Okay? So this is called slanting line or oblique line. Okay, friend? So this is slanting line. Slanting line. Okay? Next, this is called vertical lines. This is called vertical line. Next, this is. हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा लाइन है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन नेक्स्ट ओके फ्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर ऑफ स्लैंटिंग लाइन फर्स्ट वन टू एंड थ्री तीन हमारी क्या है यहाँ पर स्लांटिंग लाइन है कितनी लाइन है हमारी यहाँ पर स्लांटिंग थ्री हमारी क्या है यहाँ पर स्लांटिंग लाइन है एक ये स्लांटिंग है और ये स्लांटिंग है देन हॉरिजॉन्टल ओके तो स्लांटिंग लाइन Slanting line, and horizontal line, next vertical line, slanting first number of slanting line 3, 1, 2, 3.
और नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस 1, 2. ओके स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट फिगर. नोट डाउन स्टूडेंट okay curved line this is called curved line okay and this is called vertical line horizontal line okay friends what is the curve line this side both side curve line and both side is this side mean vertical line both side and both side horizontal line दोनों साइड हमारे ऊपर नीचे हमारे दोनों हॉरिजॉन्टल है ये दोनों हमारा वर्टिकल है और ये हमारा कर्व लाइन है ओके स्टूडेंट नॉट डाउन homework solve the sums kg gram 3 kg 540 gram 2 kg 455 gram next kg and gram next 8 kg 005 gram next 6 kg 480 gram next 965 gram next 6 kg 430 gram next
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।